हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गैट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का क्लास 9 का चैप्टर 6, जिसका नेम है स्टूडेंट्स नेटवर्किंग बेसिक्स एंड मल्टीमीडिया। स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हमें जो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम नेटवर्किंग बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि नेटवर्किंग के बेसिक्स क्या होते हैं और मल्टीमीडिया के बारे में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है एंड नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स की नीड क्यों होती है, आवश्यकता क्यों होती है, किस लिए आवश्यकता होती है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट, चलिए जानते हैं व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज मेड अप ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइस कनेक्टेड टू ईच अदर। एक कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े हुए कई कंप्यूटर्स या दूसरी कंप्यूटिंग डिवाइस से बना होता है। मीन्स एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जो कई कंप्यूटर्स होते हैं और या फिर कुछ कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, उनसे बना होता है कंप्यूटर नेटवर्क। दैट कम्युनिकेट ओवर अ वायर्ड और वायरलेस मीडियम टू शेयर डेटा एंड अदर रिसोर्सेज। जो डेटा या फिर दूसरे रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए वायर्ड या फिर वायरलेस माध्यम से कम्युनिकेट करता है। मींस यदि किसी डेटा को शेयर करना है या दूसरे रिसोर्सेज को शेयर करना है तो उसके लिए वायर्ड या वायरलेस माध्यम का यूज करता है। इसमें यह डेफिनेशन दी गई है स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। व्हेन मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेज आर इंटरकनेक्टेड थ्रू अ वायर्ड और वायरलेस मीडियम टू शेयर डेटा एंड अदर रिसोर्सेज इट इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स, जब कई कंप्यूटर्स और दूसरी डिवाइसेज वायर्ड या फिर वायरलेस माध्यम के द्वारा डेटा को या दूसरे रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए इंटरकनेक्ट की जाती हैं, तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है स्टूडेंट्स। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ नोड। प्रत्येक कंप्यूटर जो नेटवर्क में कनेक्ट किया जाता है उसे नोड कहा जाता है स्टूडेंट्स। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट वर्क इन डिफरेंट वेज। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं जो अलग अलग वेज में काम करते हैं। नेटवर्क मे बी वेरी स्मॉल एंड सिंपल एज इन रूम। नेटवर्क इतना सिंपल हो सकता है, इतना स्मॉल हो सकता है जैसे कि एक रूम। जैसे एक रूम स्टूडेंट्स छोटा सा होता है और सिंपल होता है, उसी तरह से नेटवर्क्स भी क्या होता है कि नेटवर्क्स भी छोटे हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं, या फिर दे मे बी एज कॉम्प्लेक्स एज अ ग्लोबल नेटवर्क लाइक द इंटरनेट। और वो इतने जटिल भी हो सकते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं जैसे कि एक ग्लोबल नेटवर्क। ग्लोबल नेटवर्क में कौन सा नेटवर्क आ जाएगा स्टूडेंट, जैसे कि इंटरनेट नेटवर्क। सो इंटरनेट की तरह ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। Also, there may be a wired, wireless or satellite connection between the computer in a network. एक नेटवर्क में कंप्यूटर के बीच जो कनेक्शन होता है वो वायर्ड भी कनेक्शन हो सकता है, वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है, या फिर सैटेलाइट कनेक्शन भी हो सकता है। कोई भी कनेक्शन नेटवर्क में कंप्यूटर के बीच में हो सकता है। वी नीड टू डिटरमाइन विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बेस्ट सूट अवर इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन नीड। ये हमारी हमें डिसाइड करना पड़ता है, हमें डिटरमाइन करना होता है, हमें आवश्यकता होती है इसे करने की कि हमें कौन सा नेटवर्क हमारे लिए बेस्ट होगा जो कि हमारे इंडिविजुअली या फिर ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता के अनुसार सूट करेगा हमें। तो ये हमें डिसाइड करना पड़ता है स्टूडेंट्स कि हमारा किस तरह का वर्क है, किस तरह का नेटवर्क हम चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दिखाया भी गया है स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स, नीड्स फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स की आवश्यकता किस लिए है। सम ऑफ द मेन रीजन फॉर सेटिंग अप कंप्यूटर नेटवर्क्स आर। कंप्यूटर नेटवर्क्स को सेट करने के कुछ मुख्य कारण हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला रीजन आ जाता है रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स को शेयर करने के लिए। इन अ नेटवर्क यूजर वर्किंग ऑन एनी कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन एक्सेस द डेटा प्रोग्राम्स रिसोर्सेज लाइक हार्ड डिस्क, प्रिंटर्स, स्कैनर, मॉडेम एटसेट्रा एंड पावरफुल डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसे बोलते हैं, एंड लाइसेंस सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। तो रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें यूजर किसी भी कंप्यूटर पर कार्य कर रहा है। सपोज कोई भी यूजर है, यूजर कौन होता है, जो कंप्यूटर को यूज करता है। तो यूजर किसी भी कंप्यूटर पर कार्य कर रहा है तो वो नेटवर्क में अपने डेटा को, प्रोग्राम को, रिसोर्स को, जैसे कि रिसोर्सेज में हार्ड डिस्क आ जाती है, अपनी हार्ड डिस्क को या किसी प्रिंटर को, स्कैनर को, मॉडेम को एक्सेस कर सकता है। चाहे वो किसी भी कंप्यूटर पर बैठा है तो वो एक्सेस कर सकता है अगर वो नेटवर्क में है कंप्यूटर। और जैसे कि पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल है या फिर लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। लाइसेंस सॉफ्टवेयर में जैसे कि टैली है या फिर कोई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी हो सकता है। तो जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं वो एक बार परचेज किए जाते हैं, उन्हें एक कंप्यूटर में डाल दिया जाता है और वो सभी में नेटवर्क के थ्रू चलता है।
तो इस तरह से यूजर जो है वो रिसोर्स को शेयर भी कर सकता है इसके द्वारा. दे कैन डू दिस रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल लोकेशन दैट मे बी एट अ डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू फिट, अ फ्यू माइल्स, 100 और इवन 1000 ऑफ माइल्स फ्रॉम द अदर कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क. और खास बात ये है स्टूडेंट्स कि वो अपनी फिजिकल लोकेशन की परवाह किए बिना, मीन्स वो अपनी मेन लोकेशन जहाँ पे उसका मेन कंप्यूटर है उसको ध्यान में ना रखते हुए, उसकी परवाह ना करके, वो चाहे वो फिट की दूरी पर हो, माइल्स में हो, मीलों दूरी पर हो, या फिर हंड्रेड्स, सौ, या यहाँ तक कि हजारों मील की दूरी पर ही कोई दूसरा कंप्यूटर पर वो नेटवर्क में काम कर रहा है, तो वो अपना ये सब काम बिना फिजिकल लोकेशन की परवाह किए कर सकता है. मींस वो अपनी हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम आदि को भी शेयर कर सकता है, अपने डेटा को भी शेयर कर सकता है, प्रोग्राम्स को भी शेयर कर सकता है, और अपने लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स को भी चला सकता है. तो इसमें कोई भी दूरी का प्रॉब्लम नहीं आती है. ये बिना दूरी की परवाह किए, बिना फिजिकल लोकेशन की परवाह किए आप आराम से इसमें एक्सेस कर सकते हैं. तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता यहीं पर आ जाती है स्टूडेंट्स कि रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं हम. इन दिस वे दे वुड बी एबल टू शेयर रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज डेटा प्रोग्राम्स इन द सेम वे एज दे वुड इफ दे वर सेट अप लोकली. और इस तरह से जब हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, डेटा को एक्सचेंज करते हैं, प्रोग्राम्स को शेयर करते हैं, या प्रोग्राम को, लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स को चलाते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे चलते हैं जैसे कि हम लोकल सेटअप पर बैठे हुए हैं, मीन्स हम अपने कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही हम यूज कर सकेंगे उसे. सो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स की आवश्यकता होती है रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए. सेकेंड आ जाता है रिलायबिलिटी. इन अ कंप्यूटर नेटवर्क, ए कंप्यूटर नेटवर्क में बैकअप्स ऑफ इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मे बी कैप्ट ऑन सेवरल मशीन सो दैट इफ वन कंप्यूटर इज आउट ऑफ ऑर्डर इन्फॉर्मेशन कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम अदर्स. तो एक कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका एक बेनिफिट ये होता है कि जो हमारा डेटा होता है, जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होती हैं, उनको बैकअप लेने की वजह से कई मशीनों में रखा जाता है, ताकि यदि एक कंप्यूटर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, मीन्स वो खराब हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम दोबारा से प्राप्त कर सकें. तो इस तरह से रिलेबिलिटी भी आ जाती है इसके अंदर. तो इसके लिए भी आवश्यकता होती है एक कंप्यूटर नेटवर्क की, जिससे कि हम अपने डेटा का बैकअप ले सकें अगर हमारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिडक्शन इन इंस्टॉलेशन कॉस्ट. इंस्टॉलेशन कॉस्ट में रिडक्शन हो जाती है, कटौती आ जाती है कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा. इन अ नेटवर्क सेटअप ऑफ कंप्यूटर द शेयरिंग ऑफ कॉस्टली पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, एलसीडी, सीडी राइटर्स एटसेट्रा अमंग द यूजर लीड्स टू अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन. सो स्टूडेंट्स होता क्या है कि कंप्यूटर के नेटवर्क सेटअप में यूजर के बीच महंगी जो पेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं, जैसे कि प्रिंटर है, स्कैनर है, एलसीडी, सीडी राइटर इत्यादि होते हैं, इनकी जो सेटअप में कॉस्ट आती है, इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट आती है उसमें कमी आ जाती है, काफी कमी आ जाती है, तो उससे एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है. तो कंप्यूटर नेटवर्क से ये भी बेनिफिट होता है. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन. नेटवर्क कंप्यूटर फैसिलिटेट कम्युनिकेशन. नेटवर्क कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए भी की भी सुविधा देते हैं. यूजर्स कैन सेंड मेल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इंपोर्टेंट डाटा टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल, दस सेविंग ऑन बोथ टाइम एंड मनी. यूजर्स को यदि कोई मेल सेंड करना है, डॉक्यूमेंट सेंड करना है किसी दूसरे कंप्यूटर में, या कुछ दूसरे इंपोर्टेंट डेटा को सेंड करना है, तो कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा यूजर सेंड कर सकता है मेल्स को, डॉक्यूमेंट्स को, दूसरे इंपोर्टेंट डेटा को. और इससे क्या होता है, इससे एक तो टाइम और मनी दोनों की ही बचत हो जाती है. तो यहाँ पर भी कंप्यूटर नेटवर्क्स की आवश्यकता जरूरी हो जाती है. एंड लास्ट स्टूडेंट्स सिक्योरिटी ऑफ डेटा. डेटा की सिक्योरिटी हो जाती है. नेटवर्क्स एंश्योर ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ स्टोर डेटा बाय एनफोर्सिंग ऑथेंटिसिटी एंड ऑथराइजेशन रूल्स फॉर द यूजर्स. स्टूडेंट्स यहाँ नेटवर्क उपयोगकर्ता के लिए प्रामाणिकता और प्राधिकरण यानी ऑथेंटिसिटी एंड ऑथराइजेशन, ये दोनों ही नियम को लागू करके स्टोर किए गए डेटा को बहुत अधिक सुरक्षित तरीके से कर दिया जाता है, और उसमें सुनिश्चित कर दिया जाता है कि आपका जो डेटा है वो सिक्योरिटी में है. तो नेटवर्क में जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें डाटा जो होता है वो बहुत ही सिक्योर होता है और वो नियमों के अधीन होता है. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं. तब तक के लिए बाय बाय.